अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को, कि अभी एक बार टॉस हुआ और ये 10,000 रुपए जीते। सोचो यहां पर 5 बार टॉस होता और 5ों बार हरिदास जी जीत जाते और जो दूसरे हैं वो हार जाते, तब हम क्या कहते, किसकी किस्मत अच्छी है किसकी किस्मत बुरी है, किसकी किस्मत बहुत अच्छी है और किसकी किस्मत बहुत बुरी है, फूटी हुई है। हरिदास जी ऐसा ही है, जीत गए भाई, कुछ किए बिना 50,000 रुपए जेब में डाले और निकल लिए, और क्या चाहिए, ऐसा ही है। ये है 99.9999999% लोगों का नजरिया। तो अब देखो मेरे नजरिए से कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी किस्मत खराब है। 5 बार हरिदास जी जीत गए जुए के अंदर नॉन स्टॉप, इतनी सारी जनता के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा। एक सिंपल सी चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मेरी किस्मत अच्छी है। इस दिन को वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। बैठ गया, और इनके दिमाग में क्या बैठ गया कि जुए में मेरी किस्मत खराब है। और अगर आप मेरी नजर से इस दुनिया को देखोगे तो किस्मत अच्छी किसकी और खराब किसकी है पता है? जो आदमी को यह गलतफहमी हो गई है, अब इसको ध्यान से सुनना, जिस आदमी को यह गलतफहमी हो गई है कि जुए में मेरी किस्मत अच्छी है, उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई। आपको लग रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। जितने भी गैम्बलर्स हैं इस दुनिया में अलग अलग तरह की गैम्बलिंग करते हैं, बहुत है, कोई सट्टा लगाता है, कोई कैसीनो में जाकर के गैम्बलिंग करता है, कोई ताश खेलता है, कुछ भी करता है, उनकी शुरुआत कहां से हुई, बनते कैसे हैं लोग, सोचो, दिमाग लगाओ। खेला जीत गए, दूसरी बार खेला जीत गए, तीसरी बार खेला जीत गए, चौथी बार खेला जीत गए, 4 दिन तक जीत गए, 7 दिन तक जीत गए। क्या गलतफहमी बैठ गई दिमाग में कि मैं जीत सकता हूं? और जुए में आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी जीत पाया है? यस और नो? तो क्या होगा, उनको लत लगनी ही लगनी है। जिसके अंदर ये गलतफहमी आ गई, ये लालच बढ़ गया, ये किस्मत की गलतफहमी हो गई कि मेरी किस्मत अच्छी है, वो फंस गया। जबकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है वहां पे, ये साइंस है, कोई किस्मत नहीं है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इनका 5 बार आया है, इनका भी आ सकता था। दिस वॉज सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हमारी किस्मत कोई दूर आसमान में भगवान बैठा हुआ है वो लिख रहा है। सोचो अगर ये बात सच है तो कितना बड़ा मजाक है। सोचो कि वो भगवान जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है, वो इतना वेला है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है, वो वहां पर बैठ करके ये टॉस को देख रहा है, मेरे हाथ को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है, और वेट कर रहा है कि कब मैं सिक्का उछालूं, और वो डिसाइड करे कि हेड आना चाहिए टेल आना चाहिए। सोचो इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई है जो आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे हमने चूज किया अच्छा हो गया, इसी को कर्म बोलते हैं। ये चॉइस ही कर्म है। जहां आपने अच्छी चॉइस करी अच्छा कर्म किया, जहां आपने बुरी चॉइस करी बुरा कर्म कर दिया, तो बुरा फल मिलना ही मिलना है, और 10 साल बाद नहीं मिलना जो लोग सोचते हैं। ये नहीं है कर्म का खेल कि आज आपने कोई अच्छा कर्म किया उसका 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा, या आज आपने बुरा किया आपको 10 साल बाद बुरा मिलेगा। आपने एक बुरी चॉइस करी, फल मिलना शुरू।